आरपीएससी ने 918 पद जो हमारे कॉलेज लेक्चरर या जिसे अपन असिस्टेंट प्रोफेसर भी कहते हैं उसके निकाल रखे हैं। तो उसमें एक सबसे बड़ा पेज फंस रहा है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का। तो मैं आपको बता देता हूँ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग, देखिए आयोग ने 918 पदों के लिए वैकेंसी निकाली। इसके लिए छात्र को 10वीं 12वीं और यूजी में मिलाकर औसतन 55% या इससे अधिक अंक चाहिए। यूजी का मतलब अपने बीए बीएससी वगैरह में। इसके लिए 10वीं व 12वीं में से किसी एक में न्यूनतम 50% और यूजी में 50 और पीजी में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% अंक होने चाहिए और नेट सेट व पीएचडी 2009 नॉर्म्स के अनुसार होनी चाहिए। वहीं यूजीसी के नियम के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता पोस्ट ग्रेजुएशन में 55 व पीएचडी नेट व स्लेट है, ठीक है। जैसा कि आपको पता ही है अगर कोई विश्वविद्यालय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करता है तो यूजीसी के नियम अनुसार गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए उम्मीदवार का 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन का कुल 55% या उससे अधिक होना चाहिए, ठीक है। और आपको अच्छा ये देख लीजिए आप लोग, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा नेट में पीजी में 55% की अनिवार्यता जरूरी है। अब 55% चाहिए 10वीं और 12वीं और यूजी को मिलाकर और साथ में आपको पीएचडी 2009 के नियम के अनुसार होना चाहिए और इससे सबसे अच्छा अपना यही है कि आपने नेट या सेट हो सबसे बेस्ट, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।